नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज और मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इसमें मैं मौजूद हूँ। और एक हफ्ते से छात्र धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और हमारी बात चीफ प्रॉप्टर से हुई है। उन्होंने बता रहे हैं कि हमने सारी मांगों को उनकी मांग लिए हैं, और ऐसे में देखा जाए तो छात्र अपनी बातों को किस तरीके से मनवाना चाहते हैं, और लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांग को देख रही है, फिर भी छात्र अभी असमंजस में पड़े हुए हैं कि हम अगली रणनीति के लिए हम क्या करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो एक हफ्ते से लगातार विभिन्न तरीके अपनाकर छात्र कभी हवन करके, कभी पूजन करके, कभी मुंह पे काली पट्टी बांधकर उन्होंने विरोध किया है। ऐसे में लगातार ये संस्कृति का मुख्य भवन है और यहाँ से संस्कृत विद्या बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, और जो छात्र को क्लास में होना चाहिए वो एक हफ्ते से लगातार वो बाहर हैं। अब ये देखना ये है कि ये छात्र कब तक ये अनशन पे रहते हैं। देखते रहिए आप रिपोर्टर्स पेज। नमस्कार। में छात्रावासों में शौचालय व्यवस्था दुरुस्त हो, महिला छात्रावास में भी महिलाओं का शौचालय दुरुस्त हो, पेयजल की सुविधा बढ़िया हो, शिक्षा और पठन पाठन की व्यवस्था मूल रूप से सुदृढ़ रूप से हो। आप लोग 12 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं, आज 7वां दिन है आप लोगों का, अभी तक कोई विश्वविद्यालय से कोई आया आपसे मिलने? विश्वविद्यालय का कुलपति या अन्य किसी भी पद पे, विश्वविद्यालय में विराजमान प्रशासनिक पद पे कोई भी अधिकारी हम लोग को हाल चाल लेने तक नहीं आया है। अगर नहीं आया तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का ये घोषणा हो चुका है कि हम लोग हर एक विश्वविद्यालय, हर एक महाविद्यालय, हर एक चट्टी चौराहे पर जाएंगे और प्रचार करेंगे, और अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए बनारस बंद या और बनारस कर्फ्यू लगाने का भी आह्वान 10 फरवरी को हम लोगों ने किया है। आपके क्या मानना है? जी, यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय के जो कुलपति जी हैं बहुत ही तानाशाह हो चुके हैं, जो हम लोग की बात नहीं सुनते। और हम लोग जब अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर पहुँचे तो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष और हमारे ऊपर महामंत्री के ऊपर जो है मुकदमा करा दिए हैं, और हम लोगों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, वो सोच लिए हैं, वो मानसिक एक बना लिए हैं कि हमें इस विश्वविद्यालय को बंद ही करना है, और बंद करने पे तुले हुए हैं। लगातार इस बनारस में सांसद और मुख्यमंत्री का दौरा होता है, इसका आप लोगों ने ज्ञापन ओपन दिया कहीं? ज्ञापन हम लोग से तो लेंगे ही नहीं, वो इसलिए हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में भी आ चुके हैं योगी जी, और मोदी जी का भी कार्यक्रम होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग NSY से यहाँ पर जीते हैं। NSY से जीतने के बाद वहाँ की जो विद्यार्थी परिषद हार चुकी है, उनके हारने के बाद वो लोग यहाँ दौड़ा कर रहे हैं कि अगली बार कम से कम उनका छात्र संघ बने।